Hello guys, my name is Vivek and I'm really glad to welcome you back on my YouTube channel that is Right to Vlog and जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज ऑल्सो कि आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आए हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको चैनल आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके ही जाओगे तो लेट्स सी बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सैडल्स ठीक है जो मैंने इसमें लगा रखे हैं। अब ये सैडल्स जो हैं ये दिखने में बिल्कुल रैनॉक्स नोमाड सीरीज जो आते हैं बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम उसी के जैसे हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। बाकी सबसे पहले मैं इनका प्राइस बता देता हूं। तो इनका प्राइस है अराउंड 3200 रुपये। अगर आप अच्छे हैं बार्गेन करने में, अगर आप यू नो आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो डेफ़िनेटली आप इसको 3000 में भी ले सकते हो, लेकिन मैं बार्गेन करने में इतना अच्छा नहीं हूँ तो मुझे ये 3200 रुपये के पड़े हैं। तो अब बताऊँ कि ये जो बैग्स हैं ये रेप्लिका किसके हैं, मतलब रैनॉक्स जैसे कैसे लग सकते हैं ये। तो रैनॉक्स का जो नोमाड सीरीज़ आती है, आई मीन टू से सीरीज़ नहीं, एक्चुअली जो रैनॉक्स का नोमाड बैग आता है NOMAD जो आता है अराउंड 5350 रुपीज़ का, तो ये एग्जैक्ट सेम वही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन वाइज। इसके अंदर कैपेसिटी एग्जैक्ट सेम है, इसके अंदर जो इन्होंने पॉकेट्स दे रखे हैं वो भी एग्जैक्ट सेम है। इनफैक्ट जो चेन इसमें यूज़ की गई है यानी कि जो इसके अंदर ज़िप यूज़ की गई है वो भी सेम कंपनी की है, यानी कि YKK ब्रांड की इसमें जो चेन है वो यूज़ की गई है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो अब सैडल्स के ऊपर आते हैं और बात करते हैं सैडल्स के बारे में। और ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको लुक दिखा देता हूँ कि बाइक में लगने के बाद ये बैग कैसे लगते हैं। तो ये मेरा टैंक बैग है, इसकी वीडियो पहले आ चुकी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं ठीक है। ये भी सेम कंपनी स्काईको का ही है और दिखने में ये भी रैनॉक्स जैसा ही है, रैनॉक्स का नेविगेटर एक्चुअली में, वो भी 1500 रुपये राइट। तो बात करते हैं सैडल्स की। तो लुक वाइज मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये मीटियोर 350 में कैसे लग रहे हैं। तो अगर मैं चारों तरफ घूम के आपको दिखाऊँ तो दिस इज़ हाउ दे लुक्स लाइक है ना, काफ़ी बढ़िया फील देते हैं। एक फटाफट से वॉक अराउंड कर लेते हैं बाइक का। सो दिस इज़ हाउ दे लुक्स लाइक, और पीछे से कुछ इस तरह से देते हैं ठीक है। तो पीछे आपको स्काईको की ब्रांडिंग दिख जाती है और ये रिफ्लेक्टर है एक्चुअली में, रात को चमकता है, लेकिन ये 3M का नहीं है आई गेस ठीक है, क्योंकि वो दिखने में ही थोड़ा लो लग रहा है, क्योंकि जो 3M के रिफ्लेक्टर होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज। तो अब बात करते हैं सैडल्स के बारे में। सैड जो ये ज़िपर्स हैं ये सब के सब YKK की ही हैं। इनफैक्ट जो टैंक बैग है उसमें भी YKK के ही ज़िपर्स हैं, YKK काफ़ी नोन ब्रांड है ज़िपर्स के मामले में। तो ये नॉर्मल KB कंपनी का है, और ये जितने भी आप इसमें हुक्स देख रहे हैं ये सब के सब ये RF के हैं और ये KB का है, तो यानी कि ये लोकल है। सिर्फ इसमें जो चेन है वही YKK की है, और जो रैनॉक्स का नोमाड आता है 5500 के रुपए में जो आता है उसमें ये जितने भी आप हुक्स वगैरह देखोगे ना वो सब YKK के आते हैं ठीक है, वो सब ब्रांड्स के आते हैं। लेकिन इस वाले बैग में क्योंकि ये 3200 रुपीज़ का है तो इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग ज़रूर होगी। तो मटेरियल वाइज तो काफ़ी सही है, लेकिन इन्होंने जो ये हुक्स हैं ये लोकल कंपनी के दिए, यानी कि जो लोकल होते हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट में कटिंग हुई है और जिसकी वजह से हमें ये सिर्फ 3200 रुपीज़ में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी कैपेसिटी के बारे में। तो ये कैपेसिटी कितना होल्ड करते हैं, तो 25 लीटर्स एंड 25 लीटर्स यानी कि टोटल 50 लीटर्स आपको कैपेसिटी मिल जाती है विदाउट एक्सटेंड ठीक है। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि यहाँ से ये मैंने जिप ऐसे ओपन करी एंड इसको मैं इस तरह से ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये देखो इतना ये बैग जो है एक्सटेंड हो गया। तो अब एक्सटेंड करने के बाद इसकी कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 32 लीटर्स, यानी कि अगर मैं उसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ तो 32 प्लस 32 लीटर्स की इसमें कैपेसिटी हो जाएगी राइट। बाकी दिखने में बिल्कुल रैनॉक्स नोमाड जैसे ही हैं, द सिमिलर डिज़ाइन, एग्जैक्ट सिमिलर, ऐसे बोलो कि कॉपी है एकदम रैनॉक्स की, क्योंकि रैनॉक्स में आप यहाँ पे देखोगे रेड स्ट्रैप है, ये बिल्कुल सेम है रैनॉक्स की ब्रांडिंग, आई गेस यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे या यहाँ पे कहीं पे है रैनॉक्स की ब्रांडिंग, और यहाँ पे भी जो कंपार्टमेंट्स हैं एग्जैक्ट सेम दिए हुए हैं। इनफैक्ट जो ये मटेरियल है ये भी हार्ड है, ये कोई सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, ये काफ़ी हार्ड मटेरियल है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे ये प्लास्टिक का यूज़ किया गया है एक्चुअली में, ये प्लास्टिक है, और इसके नीचे जो आप देखोगे यहाँ पे ये दिए हुए हैं और ये पूरा प्लास्टिक है, पीछे से भी जो है हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। और मीटर 350 में मैं सैडल स्टे नहीं लगवा रहा हूँ, क्योंकि सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरह के जो है सैडल बैग लगाते हो तो राइट। तो विदाउट सैडल स्टे आई कैन यूज़ दी सैडल बैग्स ऑन माय मीटर 350। ओके सो इसके अलावा क्या मिलता है, चलो फिर कंपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है ये वाली चीज़, अब मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ और देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया
यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, यू कैन यूज़ दिस स्पेस फॉर योर डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी रिलेटेड, जैसे चार्जर्स वगैरह रख दिए या लैपटॉप का चार्जर रख दिया या कुछ भी रख दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे कुछ पॉकेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, अच्छे खासे पॉकेट्स हैं, काफ़ी बड़ी अमाउंट, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ है पॉकेट्स का, तो यू कैन यूज़ दिस पॉकेट्स फॉर योर पर्सनल स्टफ्स, राइट। अब जाते हैं इसके मेन कंपार्टमेंट में, ठीक है, बाहर सिर्फ एक यही कंपार्टमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं, और सीधा आ जाता है मेन, और इसके पीछे कोई भी चेन वगैरह नहीं है, यानी कि सिर्फ दो ही इसमें आपको कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, एक होता है आपका मेन और दूसरा ये बाहर के लिए, ठीक है। हाँ, अब इसमें जो है सेपरेट जो है रेन कवर्स भी मिल जाते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग रेन कवर्स हैं। हालांकि जो ये रेन कवर हैं ये स्टिच्ड हैं, यानी कि बीच में सिलाई की गई है, जो कि आई गेस राइनॉक्स में नहीं है, उसमें वन पीस वाला रेन कवर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपको कहीं पे सस्ता मिल रहा है तो कुछ चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी छोटी मोटी जो रेनफॉल है वो ये बैग विदाउट रेन कवर झेल सकता है, देर इज़ नो इशू और देर इज़ नथिंग लाइक डैट कि पानी घुस जाएगा, छोटी मोटी बरसात यानी कि हल्की बारिश ये सर्वाइव कर सकता है। तो बाकी अब आते हैं मेन कंपार्टमेंट, इसमें कुछ ये स्ट्रैप्स गिवन है। अब स्ट्रैप्स इसलिए है क्योंकि इन बैग्स को आप साइड बैग भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ एक ही बैग यूज़ करना है, आप बाइक में नहीं जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो या किसी और व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इस बैग को एज अ साइड बैग भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रैप्स गिवन हैं, ठीक है। अब इन स्ट्रैप्स को आपको यहाँ पे लगाना है और यूज़ कर देना है एज अ साइड बैग, देखो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैप्स हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं इसकी मेन कैपेसिटी के बारे में, तो जैसे कि मैंने बताया ये 25 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, और अंदर भी एक आपको जिप दे रखी है, तो ये एक्चुअली में साफ़ सफाई करने के लिए है, आप इसको ओपन कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए बैग की, और जो मटेरियल की क्वालिटी है काफ़ी डिसेंट है, 3200 की रेंज में, मतलब 3200 की प्राइस ब्रैकेट में डिसेंट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ यूज्ड, तो देर इज़ नथिंग लाइक डैट कि मटेरियल यू नो लो क्वालिटी का है या यू नो थोड़ा यू नो दिखने में प्रीमियम नहीं लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मटेरियल इज़ क्वाइट गुड, ठीक है, जिस प्राइस ब्रैकेट में आता है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है राइनॉक्स का मटेरियल इससे ज़्यादा प्रीमियम लगेगा आपको, होगा भी, तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार राइनॉक्स के नोमाड में और इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है, पैसों का भी और वैसे भी काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है मटेरियल आपको राइनॉक्स जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप यू नो लेने से मना कर दो। और यहाँ पे देखो YKK लिखा हुआ है, तो YKK जिपर्स हैं और रेन कवर मैंने आपको बता दिया, और आपको यहाँ पे मिल जाता है पीछे रिफ्लेक्टर्स, और ये भी एक्चुअली में रिफ्लेक्टर का ही काम करते हैं, हालांकि ये 3M वाला नहीं है, राइनॉक्स में ये 3M में मिल जाता है, यानी कि 3M कंपनी का मिलता है, लेकिन इसमें ये 3M नहीं है, ये आई गेस लोकल ही है। बाकी इसके अंदर एक साल की वारंटी है, इन सैडल्स के अंदर 1 ईयर वारंटी, एंड वारंटी कवर्स लाइक कि कुछ भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आता है तो वो वारंटी के अंदर कवर होता है, अगर आप इसमें कोई डिफेक्ट मारते हो तो डेफिनेटली वो नहीं कवर होगा। हालांकि जो अगर यूज़ करते टाइम आपकी चेन जो है यानी कि जो जिपर्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं तो आप उनको रिप्लेस करवा सकते हैं अंडर योर वारंटी पीरियड, राइट। तो ये मैंने परचेज़ करे हैं रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड करोल बाग न्यू दिल्ली से। बाकी आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ पे ये मिलते हैं, देयर आर प्लेंटी मोर शॉप्स अवेलेबल इन करोल बाग, आप करोल बाग जाएं और वहाँ पे एक्सप्लोर करें मार्केट, सो यू कैन गेट दीज बैग्स अराउंड 3000 और 3100 और 3200 यू नो अगर आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है एज आई सेड बिफोर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सैडल्स। और हाँ, अभी आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई इनको फिक्स कैसे करोगे आप, है ना। देखो यार, फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, ये जो वेलक्रो आप देख रहे हो, दिस वेलक्रो इज़ क्वाइट स्ट्रांग, ठीक है, ये वेलक्रो आप देख रहे हो और एक ये वेलक्रो है, तो दो वेलक्रो ये हैं और एक स्ट्रैप ये है, ये एक्चुअली में पीछे से आएगा, ठीक है, ये बाइक के पीछे मतलब हैंड इसके पीछे आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रैप्स गिवन हैं जिसको मैं यहाँ पे फंसाऊंगा, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर ये फिक्स होंगे, जो मेरा ये जो बैकरेस्ट है, ये बैकरेस्ट के जो हैंडल्स हैं इसमें जो ये छोटे छोटे स्ट्रैप्स हैं ये यहाँ पे फिक्स किए जाएंगे। उसके अलावा इसमें ये हुक्स प्रोवाइडेड हैं, यानी कि एक और स्ट्रैप है जो इस तरह से इसमें फ़िक्स किया जाएगा, समझ रहे हो। तो वो मैं आपको लद्दाख जब मैं जाऊँगा, जब मैं इसको पूरा प्रिपेयर करूँगा, तब मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूँगा कैसे मैंने इनको सेट किया है, क्या मैंने इसमें बंजी रोप का भी इस्तेमाल किया है, हो सकता है मैं बंजी रोप का भी इस्तेमाल करूँ, हो सकता है आई कैन यूज़ अ टेल बैग ओवर हेयर, सो लेट्स सी, क्योंकि मैं उस हिसाब से इसको टाई करूँगा। और बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और जो उसका फुल रिव्यू होगा ये तो खैर इसकी डिटेल्स
थी, ये डिटेल वाली वीडियो है। जो आप रिव्यू वाली वीडियो देखोगे वो मेरे लद्दाख व्लॉग के अंदर ही आपको दिख जाएगी, क्योंकि लद्दाख में ऑब्वियसली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं उस टाइम पे नूबरा वैली के आसपास रहूँगा, तो डेफिनेटली मैं इन्हीं बैग्स को यूज़ करने वाला हूँ अपनी राइड पे, और मैंने परचेज़ भी उसी राइड के लिए करे हैं। तो हाँ, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, यानी कि आगे भी रिफ्लेक्टर हैं और पीछे भी ये छोटा सा रिफ्लेक्टर है। उसके अलावा ये बॉटल होल्डर्स हैं, यानी कि आप यहाँ पे एक बोतल रख सकते हो एंड यहाँ पे भी एक बॉटल जो है रख सकते हो, तो टू बॉटल्स आपकी आराम से आ जाएंगी, और दो बोतल तो कम से कम होनी चाहिए, पानी तो ज़रूरी है रास्ते के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सैडल्स। अब मैं इसको यहाँ से उतार के दिखाता हूँ आपको। दीज आर लाइट वेट सैडल्स, ठीक है, लाइट वेट है, हैवी नहीं है। अब यहाँ पे ये स्ट्रैप फंस गया इसका, इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा ध्यानपूर्वक, कहीं स्क्रैच ना मार दे। ओके, तो ये निकल गया। एक्चुअली मैं एक ही हाथ से कैमरा फोल्ड कर रहा हूँ फिर दूसरे हाथ से। ओके, तो ये देखो भाई, ये निकल गए हमारे सैडल्स। तो ये देखो, ये है प्रॉपर, ठीक है, बाइक से निकाल दिए, अब यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। अब इसको ऐसे दिखा देता हूँ, जो ये है इस वेलक्रो की मैं बात कर रहा था, तो ये वेलक्रो ऊपर सीट के ऊपर आती है। उसके अलावा ये कुछ स्ट्रैप्स हैं जो यूज़ करूँगा मैं अपने बैक रेस्ट वाले जो हैंडल्स है उस पर टाई अप करने के लिए। उसके अलावा ये वाला स्ट्रैप है जो बाइक के बैक रेस्ट के पीछे से जाएगा, तो वो ये वाला स्ट्रैप है जो बाइक के बैक रेस्ट से पीछे से जाएगा, ठीक है। एंड देयर आर मल्टीपल स्ट्रैप्स लाइक दिस, ये जो है ये वापस इसमें आके ऐसे लग जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से, तो ये इस तरह से कुछ होल्ड करेगा मेरी बाइक में, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कोई भी सैडल स्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे सैडल्स लगाना मुझे कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है, राइट। अगर आप क्लासिक ले रहे हो तो क्लासिक में सैडल स्टे लगाना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मीटियोर के अंदर मुझे नहीं लगता कि सैडल की कोई ज़रूरत पड़ेगी, खासकर इस टाइप के सैडल्स बैग अगर आपके पास हैं तो, राइट। तो ये था पूरी डिटेल, बाकी देर आर मल्टीपल हुक्स एंड देर आर मल्टीपल स्ट्रैप्स प्रोवाइडेड इन दिस बैग। तो चलो फिर, बाकी अगर आपको इनकी और डिटेल चाहिए, और रिव्यू चाहिए, या और अच्छा लुक आपको देखना है कि लगा के कैसे लगते हैं, इनके अंदर जब मैं सामान भरूंगा तो कितना सामान आएगा, वो सब आने वाली वीडियोस में आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रैवल करने वाला हूँ मैं इन बैग्स के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द सैडल्स। तो बजट के अंदर सबसे बेस्ट सैडल मुझे यही लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और सैडल्स बैग आते हैं, जैसे बाइकिंग ब्रदरहुड एक कंपनी है, तो बाइकिंग ब्रदरहुड के भी सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन के सैडल्स आते हैं, लेकिन उनका प्राइस है 3500 रुपीज़। आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो अगर आपको स्काइको कंपनी के नहीं लेने हैं, आपको बाइकिंग ब्रदरहुड पे जाना है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द बाइकिंग ब्रदरहुड्स वेबसाइट, तो उनका भी ये बैग आता है 3500 रुपये के अराउंड। और अगर आपको हैवी में चाहिए तो आप रैनॉक्स की वेबसाइट पे जाइए, रैनॉक्स का नुमाड आता है 5500 रुपये का, तो वो भी एग्जैक्ट सेम ही है। तो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल जो इस डिज़ाइन में अवेलेबल हैं, बाकी अलग अलग डिज़ाइन के और भी सैडल्स बैग्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज। तो मुझे ये अच्छे लगे, मेरे बजट में यही थे, तो मैंने यही परचेज़ करे, और किस्मत भी शायद यही होंगे तो यही परचेज़ कर लिए, राइट। तो बस अब चलते हैं और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। हाँ, मैंने रिसेंटली एक राइडिंग जैकेट भी परचेज़ करी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। चलो फिर, दिस इज़ ऑल अबाउट द बैग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।